निम्न में से कौन एक लिंगी है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी पपीता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए चिड़िया द्वारा, ऑप्शन बी चमगादड़ द्वारा, ऑप्शन सी घोंघा द्वारा और ऑप्शन डी हवा द्वारा। इसका जो है ऑप्शन डी यानी हवा द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन क्या है? ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन बी अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन सी अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु परागण पुष्प सामान्यतः होते हैं? ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी छोटे, ऑप्शन सी रंगहीन और ऑप्शन डी बी एंड सी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यानी कि छोटे एवं रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी पेनिसिलियम में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? ऑप्शन ए ड्रोसेरा, ऑप्शन बी नेफेंथिस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी हाइड्रिला। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यानी कि ड्रोसेरा एवं नेफेंथिस दोनों में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी आंतरिक निषेचन। इसका आंसर ऑप्शन बी अलैंगिक जनन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विगुणित है? ऑप्शन ए अंड, ऑप्शन बी पराग, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी युग्मनज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी युग्मनज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी भ्रूणपोष और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर दीजिए। अगर जो ऊपर वाला क्वेश्चन सही दिए आंसर तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी युग्मनज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं। निम्न में से किस में जल परागण होता है? ऑप्शन ए जलकुंभी में, ऑप्शन बी कमल में, ऑप्शन सी हाइड्रिला में और ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों में। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऑप्शन बी यानी कमल इज करेक्ट आंसर। दोस्तों हम 10th क्लास के बायोलॉजी यानी कि जनन चैप्टर का जो है जीवों में जनन कैसे होता है इसका हम सीरीज लेकर आए हैं। अगर जो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।